दिल्ली और एनसीआर में स्वाइन फ्लू के कई नए मामले सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। स्वाइन फ्लू की वजह से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। फिर लौटा स्वाइन फ्लू। राजधानी में स्वाइन फ्लू का कहर। स्वाइन फ्लू के मामलों में भारी बढ़ोतरी। राजधानी में पीड़ितों की संख्या बढ़कर 60 के पार। स्वाइन फ्लू ने अब तक ली 5 की जान। हमारा हॉस्पिटल के 4 पहले डेथ हुआ था, ये कल मिला के कुल मिला के 5 डेथ हुआ अभी तक। मौत का बुखार। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के उत्तरी हिस्से में स्वाइन फ्लू ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। अकेले दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 64 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल देश भर में स्वाइन फ्लू के 4,568 मामले सामने आए थे, वहीं इस बीमारी से 344 लोगों की जाने गई थी। स्वाइन फ्लू के लक्षण यूं तो आम फ्लू की तरह ही होते हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस सुअर से फैलता है। इसमें पहले पीड़ित शख्स का गला खराब होता है और फिर खांसी के बाद तेज बुखार हो जाता है। मरीज को पेट में दर्द जैसी शिकायत भी होती है। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो फिर मरीज की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और देर होने पर दवाओं का असर भी खत्म हो जाता है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अपने आसपास गंदगी से दूर रहें। स्वाइन फ्लू से पीड़ित व्यक्ति के करीब ना जाएं। बीमारी के लक्षण सामने आने पर तुरंत डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। स्वाइन फ्लू पर काबू पाने के लिए दवाएं मौजूद हैं और सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार स्वाइन फ्लू से बचाव का सबसे बढ़िया उपाय परहेज है। लक्षण दिखते ही टेस्ट करा लें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजों से परहेज करें। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाने को तरजीह दें।